तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सा जो है कि एक तरह से बोल सकते हैं फेक न्यूज़ या जो भी आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम को लेकर के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर्स एग्जाम की, ना कि एंट्रेंस एग्जाम की। लाइक यहाँ पे चाहे आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप डी फार्मा कर रहे हैं BTE यूपी से, तो बहुत सा न्यूज़ आप लोग ऐसे देख रहे होंगे अलग अलग आर्टिकल में, अलग अलग यूट्यूब चैनल द्वारा, कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। बट रियलिटी यह है कि अभी तक एग्जाम जो है पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ है। कहीं भी आप आर्टिकल में देखोगे तो मैक्सिमम आर्टिकल में जो है कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जा रहा है कहीं ना कहीं न्यूज़ के द्वारा, या फिर उसको आप सही से नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे हम जो है कि अमर उजाला का वेबसाइट खोले तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लाइक की बात करें आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो कि 3 साल का एक कोर्स है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो अगर आपका फाइनल यानी तीसरा साल है तो उसके लिए अभी तक यहाँ पे जो है कि कोई भी विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार से अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, आपका सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर है, तो आपके भी एग्जाम का जो है टाइम टेबल आया था लेकिन किसी कारणवश उसको अभी तक से अप्रूव है, लेकिन उस पर चर्चा चल रहा है कहीं ना कहीं इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो चर्चा चलना और ये मान लेना कहीं ना कहीं गलत है। तो बहुत सारा जो हम YouTube पे अभी देख रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे जो है नए नए कुछ चैनल वाले हैं, कुछ जो है वीडियोज अपलोड किए हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 101% एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बट ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। चाहे बात करें UCG गाइडलाइन की या फिर PCI गाइडलाइन की, तो उसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि आप एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। जो है कि सेमेस्टर बेस पे यानी पिछला जो सेमेस्टर हुआ है या फिर पिछला एग्जाम या सेशनल एग्जाम, इसी बेस पे प्रमोट किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, हो जाना, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। और आप लोग ये सस्पेंस क्रिएट करके बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि जो है एग्जाम कैंसिल हो गया, तो ऐसा अभी तक बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जाम कैंसिल होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जरूर एक नोटिस मिल जाएगी कि एग्जाम जो है कैंसिल हो गया, अब किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। बात करें यूपी की तो, और अलग स्टेट में आप हैं तो अपना पता कीजिए। ऑलमोस्ट अभी तक जो है महाराष्ट्र में और जो है कि मध्य प्रदेश के कुछ यूनिवर्सिटी में छोड़ करके कहीं भी एग्जाम कैंसिल का न्यूज हमें नहीं मिला है, जो रियलिटी होती है कि नहीं रियल न्यूज। फेक न्यूज तो यूपी में भी एग्जाम की कैंसिल हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम कैंसिल हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे फाइनल एग्जाम है या फिर इसका मतलब कि ईयर वाइज एग्जाम होता है, बात करें डी फार्मा की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो ही बार आप एग्जाम देते हो, सेशनल एग्जाम तो अलग टाइप है, वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आपका वाइवा की बात किया जा रहा है कि वाइवा आपका जो है कि ऑनलाइन हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन हो सकता है और हो जाना में डिफरेंस है। तो इस बात को आप लोग समझिए और कहीं ना कहीं एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैं कई बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग या फिर BTE यूपी के वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, या फिर कोई ट्रस्टेड सोर्स जहाँ हो वहां से लेकर के उस पर ट्रस्ट कीजिए, ना कि ऐसे ही कोई वीडियो देख लिए, कहीं से कोई आर्टिकल देख लिए, कोई भी चाहे किसी भी जो है न्यूज़पेपर की बात करें, हम किसी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर में अरे हेडलाइन ये दिया हुआ है कि बच्चों को मिला राहत, यहाँ से जो है कि लाइक यूपी में जो पॉलिटेक्निक परीक्षा होने वाली थी वो हुई कैंसिल, और नीचे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कैंसिल करने का प्लान बनाया जा रहा है, या फिर ऐसा विचार विमर्श किया जा रहा है। तो हेडलाइन और अंदर के कंटेंट में यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो थोड़ा भी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट होंगे, लाइक यूट्यूब वेबसाइट आर्टिकल के बारे में जानते होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये पता होगा कि उन्हें चाहिए एक क्लिक क्लिकेबल चीज़ बनाते हैं। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे भी आप कहीं ना कहीं थंबनेल पे ऐसा देखोगे लिखा हुआ कुछ अलग सा, ताकि आप उसे देख के क्लिक करो। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी मेहनत करता है तो कहीं कुछ तो कुछ उसको उसका बेनिफिट होना चाहिए, तो इसीलिए वैसा होता है। लेकिन आप उस चीज़ को सही से समझो और सही से देखो। बहुत से लोग मेरा ये वीडियो सही से नहीं देखते हैं, टोटल नहीं देखते हैं, और जो है बीच में कमेंट करके चले जाते हैं कि ये नहीं ये होना है, या फिर ये चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता चला कि उसी वीडियो में लास्ट में वो चीज़ बताया गया है। तो एक सही जानकारी लीजिए, ट्रस्टेड सोर्स लीजिए या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लीजिए। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो का खास यही मकसद है कि आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन गलत न्यूज़ के चक्कर में होकर के अपनी पढ़ाई बर्बाद मत कीजिए। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो हम टोटल ई बुक तैयार कर दिए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है। उससे आप जो है PDF फॉर्म में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर कैंसिल भी होगा एग्जाम तो आपको काम आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं कुछ स्टडी करें तो आपका वेस्ट जाएगा। तो यही कुछ आज के वीडियो में था, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को फैला दीजिए,
और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।